आम उपभोक्ता के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे पता लगाया जा सके कि सोने के गहनों में कितना शुद्ध सोना है। इसके कारण मिलावटी सोना बेचने वाले व्यापारी आम ग्राहकों को ठग लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। सरकार की ओर से सोने को और खराब बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग जरूरी होगा, यानी हॉलमार्किंग देखकर आपको खरीदने से पहले पता चल जाएगा कि आप जितनी कीमत चुका रहे हैं क्या आपको उतनी कैरेट शुद्धता वाला सोना मिल रहा है या नहीं। इससे पहले भी सरकार की ओर से कई बार हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने के प्रयास किए गए, लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती थी, लेकिन इस बार सरकार ने इसे लागू ही कर दिया। हालांकि कोरोना के कारण कई लोग अनिवार्यता के समय पर सवाल उठा रहे हैं। हॉलमार्क सेंटर्स के संचालकों का कहना है कि हॉलमार्किंग अनिवार्य करना तो बेहतरीन कदम है, लेकिन इसे ज्वेलरी निर्माता की जगह कंज्यूमर एंड पर अनिवार्य करना चाहिए। पहले हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती थी हॉलमार्किंग के लिए, जो सरकार के नए नियम्स आए थे उसमें, लेकिन कल जो पीयूष गोयल के साथ साथ जो मीटिंग हुई उसमें जो तरह से उन्होंने हॉलमार्किंग सिस्टम को लागू किया वो एक बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो उसमें URD कोड नंबर उन्होंने उठा दिया, 40 लाख से नीचे टर्नओवर छोटे कारोबारियों को उसमें से उठा दिया, और उन्होंने 18 कैरेट के 22 कैरेट 24 कैरेट के अलावा उन्होंने 20 कैरेट 23 कैरेट की हॉलमार्किंग भी कर दी, क्योंकि काफ़ी ऐसे हमारे एरिया हैं राजस्थान में जहाँ 23 कैरेट की और 20 कैरेट की ज्वेलरी बिकती है, तो उन व्यापारियों को काफ़ी अच्छे राहत मिल गई। इससे बहुत अच्छा काम किया है और आने वाला 2 महीने का समय दे दिया, जिसके पास और कोई अन्य ज्वेलरी हो तो उसको बेच के फ्री कर ले या उसको मेल्ट करके जो भी काम करना हो कर ले। जितने ज्वेलर्स हैं सब रेडी हो रहे हैं हॉलमार्क लाइसेंस लेने के लिए, और सब ने इंक्वायरी भी आ रही है, सब अपने डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं और हमसे इंक्वायरी कर रहे हैं कैसे हम हॉलमार्क ले, तो हम उनको गाइड भी कर रहे हैं और वो डायरेक्ट भी VIS में फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि भाई कैसे हमारे को हॉलमार्क लेना है। और अभी रिस्पॉन्स जैसे जिसके पास है रजिस्ट्रेशन पहले का, वो अपनी ज्वेलरी भेज रहे हैं हमारे पास में कराने के लिए भी आप इसको हॉलमार्क करके दें। और जैसे गवर्नमेंट ने अभी 2 महीने का टाइम दिया है सेप्टेम्बर तक का, तो सबको रिलीफ थोड़ा मिल गया कि 2 महीने हमारे को और मिल गए हॉलमार्क कराने के लिए जो पुराना उनका स्टॉक। प्रदेश के 15 जिलों में अभी हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब ज्वेलरी का निर्माण जहां होता है वहीं हॉलमार्किंग होगी तो फिर इन जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर खोलेगा कौन। इसलिए इसमें एक ये भी समाधान है कि यदि कंज्यूमर एंड पर हॉलमार्किंग हो तो नए हॉलमार्किंग सेंटर भी खोलेंगे और जो पुराने हॉलमार्किंग सेंटर हैं उन पर भी काम चलता रहेगा। कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ BK शर्मा A1 TV।